सो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, मैं एक वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, उस वीडियो को जाकर फुल वॉच करना है। यार आप सभी की सपोर्ट की जरूरत है, उस चैनल पे तैयार जाओ, उस वीडियो को देखो और उसको फुल वॉच करना, और चाहो तो शेयर भी कर सकते हो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। एंड आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को कुछ इस टाइप की सीबी फोटो एडिट करना सिखाऊंगा, तो यहाँ पे बिफोर आफ्टर देख लो, काफी फर्क है हमारे इस फोटो में, ठीक है। तो अगर आपको इस टाइप से सीबी फोटो एडिट करना सीखना है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, साथ ही साथ इस चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना एंड नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके उसको ऑल पे सिलेक्ट कर लेना, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन यहाँ पे सबसे पहले मिल सके। और एक वीडियो का लिंक जो मैंने बोला ना आपको शुरू में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, तो यार जाके उस वीडियो को फुल वॉच करना, छोटा सा शॉर्ट वीडियो है, अगर आप उसको फुल वॉच कर लोगे तो उसकी रीच आगे बढ़ने में मदद मिलेगी, तो यार जाओ उसको फुल वॉच कर लेना, पहले वीडियो पूरा कंप्लीट वॉच करो, उसके बाद चाहो तब देख सकते हो। अब यहाँ से हम आ चुके अपने स्नैपसीट एप्लीकेशन के अंदर, इन वीडियो काफी टाइम बाद आ रहा है, तो अब से रेगुलर वीडियो आएगा, तो आप स्टेप बाय स्टेप वीडियो वॉच करो ताकि आपको सब कुछ नया मिले। तो पहले हम बैकग्राउंड को ब्लर करेंगे, तो इसके लिए हम ऐसे लेंस ब्लर को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब लेंस ब्लर को सिलेक्ट करेंगे, इसके अमाउंट को कुछ इस तरीके से पहले एडजस्टमेंट करेंगे, एंड इसके बाद इसके विग्नेट को पूरा माइनस रखेंगे, एंड इसको भी कुछ इतना रख लेंगे पूरा माइनस पे, एंड अब ब्लर को आप अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हो अपने बैकग्राउंड के हिसाब से। बैकग्राउंड का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से जाके भी आप बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। यहाँ पे हमारा सारा काम कंप्लीट हो चुका है, अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, अगेन पेंसिल पे टैप करके, अब अगेन पेंसिल पे टैप करके डबल एक्सपोजर पे आके इमेज पे आना होगा, एंड इमेज पे आने का अब हमें यहाँ पे एक चीज़ अप्लाई करनी होगी, अपने मॉडल के बैकग्राउंड को, सॉरी अपने मॉडल को ऐड करना होगा। इसके बाद इसकी जो मॉडल की ओपेसिटी ना उसको पूरा इंक्रीज करके अब राइट पे क्लिक करके डन कर देंगे। अब इतना काम हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, तीर आइकन पे क्लिक करके यहाँ से हम व्यू एडिट्स पे आ जाएंगे, एंड यहाँ से अब हम डबल एक्सपोजर को सिलेक्ट कर लेंगे, एंड यहाँ से पेंसिल वाले आइकन पे हम सिलेक्ट करके अब यहाँ से ये वाले ऑप्शन पे हम टैप करेंगे, ठीक है। इससे हमारा मॉडल का बैकग्राउंड वापस आ जाएगा। अब फोटो को जूम करके कुछ इस तरीके से हमें कटआउट कर लेना होगा, एंड इस तरीके से अगर आप कटआउट करोगे तो आपको फोटो बहुत ही बढ़िया तरीके से कटआउट हो जाएगा। तो यहाँ से इस तरीके से हम इसको कटआउट कर लेते हैं, तो इस तरीके से थोड़ा सा स्पीड में करूँगा, तो यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल के लिए थोड़ा बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकी आप चाहो तो आराम से कर सकते हो, या तो आप AI की मदद से भी कर सकते हो। अगर आपको AI की मदद से एडिट करना सीखना है तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको सिखा दूंगी कि AI की मदद से कैसे आप बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हो। बाकी इस तरीके से भी करोगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो इस तरीके से हम फटाफट से अपने बैकग्राउंड को इरेज कर लेते हैं। वीडियो को स्टेप बाय स्टेप वॉच करो, और वीडियो का लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया तो उसको भी वॉच कर लेना। यहाँ पे हमारा बैकग्राउंड पूरी तरीके से हमने रिमूव कर लिया है, थोड़ा सा मैंने वीडियो को यहाँ पे स्किप कर दिया था, थोड़ा मतलब पार्ट को कट कर दिया था, क्योंकि अगर मैं इसे करने बैठा तो बहुत टाइम लग जाता। तो अगर आपको AI की मदद से भी सीखना है तो कमेंट करके मुझे जरूर से बता देना। यहाँ पे हमारा इतना काम कंप्लीट हो चुका है, ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट कम ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पे इस तरीके से आप एडजस्ट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो मैंने काफ़ी अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अब से वीडियो रेगुलर भी आएगी हमारे चैनल पे, क्योंकि हमें चैनल को आगे बढ़ाना, तो यहाँ पे हमको सब कुछ शुरू से स्टार्ट करना होगा। सारा काम कंप्लीट होने के बाद राइट पे क्लिक करके हम डन कर देंगे, एंड हमारा फोटो देखो कितना मस्त हो गया एडिट। अब इसमें थोड़े इफेक्ट्स एड करने, तो इसके लिए हमें अगेन यहाँ से पहले क्या करना होगा, पेंसिल वाला आइकन पर टैप कर लेना होगा। तो बिफोर आफ्टर आपने देख लिया, अब अगेन पेंसिल पर टैप कर लेंगे। अब पेंसिल पर टैप करने के बाद हमें फेस को गोरा करना होगा, तो उसके लिए यहाँ पे हमको सिलेक्टिव को सिलेक्ट करके आपको जो भी कलर अपने फेस पे अप्लाई करना, मतलब फेस को गोरा करना, तो इस तरीके से फेस को गोरा कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका टूल कर सकते हो सिलेक्टिव को, और सिलेक्टिव का एक खासियत रहती है, आप जिस पार्ट को गोरा करना चाहते हो ना केवल ये उसी पार्ट को गोरा करता है। जैसे हमें हाथ और चेहरे को गोरा करना, सिर्फ हम हाथ और चेहरे को ही गोरा करेंगे। यहाँ पे हमारा सारी स्टेप कंप्लीट हो चुकी है, अब इतना काम करने के बाद आप देख सकते हो हमारा फोटो कितना मस्त लग रहा है। अब हमें थोड़े कलर ऐड करने को, तो इसके लिए हमें पहले क्या करना होगा कि यहाँ से पेंसिल का आइकन दिख रहा होगा साइड में, आपको सिंपली आपको इस पर टैप कर देना होगा। अब क्या करना होगा, यहाँ से आपको ट्विन इमेज को सिलेक्ट कर लेना होगा। अब यहाँ से आपको अपने फोटो की ब्राइटनेस को इस तरीके से बढ़ा लेनी होगी, एंड इस तरीके से अपने फोटो के कंट्रास्ट में हमें बढ़ा लेनी होगी, एंड सैचुरेशन में हम इस तरीके से बढ़ा लेंगे, एंड ओमिनेंस को भी हम इस तरीके से बढ़ा लेंगे, एंड हाईलाइट्स को भी हम इस तरीके से बढ़ा लेंगे, एंड इसके बाद ब्राइटनेस और कंट्रास्ट सबको हम एंड में बढ़ा लेंगे। शेडोज का एडजस्टमेंट आप अपने हिसाब से करेंगे, मेरे को यहाँ पे शेडोज ठीक लग रही, बढ़ाने में तो आप चाहो तो कम भी रख सकते हो, आपके हिसाब से। इतना काम कंप्लीट कर लिया, अगेन करेंगे एड, आप अपने फोटो में हम ऐड करेंगे डिटेल्स। डिटेल्स करने के बाद हमारे सारी स्टेप हो चुकी पूरी तरीके से कंप्लीट, एंड हमारा फोटो कुछ इस तरीके से एडिट हो गया। अब टी शर्ट का कलर चेंज करना मैं आपको सिखा देता हूँ, इसके लिए अपने फोटो को पहले हम सेव कर लेंगे अपनी गैलरी में, यहाँ से डायरेक्ट ओपन हो जाएंगे अपने ऑटोडेस्क स्केचबुक एप्लीकेशन में, जहाँ पे हम करेंगे अपने फोटो को कलर क्रिएटिंग, सॉरी टी शर्ट का कलर चेंज, वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ, बहुत ही आसान ट्रिक है। लेयर पे टैप करेंगे, एक न्यू एम्प्टी लेयर पहले बना लेंगे, एंड इसी लेयर पे आपको फिर टैप करना होगा, एंड ब्लिंक लेयर पे टैप करेंगे, बट ब्लेंडिंग नॉर्मल को आपको मल्टीप्लाई पे सिलेक्ट कर लेना होगा, एंड इसके बाद यहाँ से आपको क्रॉस पे टैप कर लेना होगा, एंड अब यहाँ से आपको कलर का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपली उसको सिलेक्ट करना होगा, एंड आपकी सबसे पहली चीज हमें येलो कलर सिलेक्ट करना होगा, तो यहाँ से येलो कलर सिलेक्ट कर लेते हैं, एंड इसके बाद क्रॉस पे टैप कर देंगे, एंड इसके बाद टूल पे आएंगे। अब के बाद हमें यहाँ पे पेंट ब्रश 2 को सिलेक्ट करना होगा, तो इस तरीके से आपको पेंट ब्रश यहाँ पे मिल जाएगा, तो यहाँ पे पेंट ब्रश को सिलेक्ट कर लेते हैं, एंड पेंट ब्रश 4 है, ठीक है, 2 नहीं है 4 है। इसके बाद इसकी ओपेसिटी 100 रखेंगे, साइज को अपने हिसाब से रख लेंगे, एंड इसके बाद यहाँ से क्रॉस पे टैप करेंगे। अब इस तरीके से फोटो को आपको जूम करना होगा, एंड जूम करने के बाद इस तरीके से ब्रश को अप्लाई कर लेना होगा। इस तरीके से ब्रश को अप्लाई करोगे तो आपका टी शर्ट का कलर चेंज होने लग जाएगा। याद रखना साइज को अपने हिसाब से कम ज्यादा करना, अगर आप कम ज्यादा नहीं करोगे तो आपका कलर अंदर बाहर होता रहेगा, तो साइज को अपने हिसाब से आप एडजस्टमेंट करते रहना। बाकी आपको कैसे लग रहा है वीडियो कमेंट करके बताना, काफी टाइम
टाइम बाद हमारे चैनल पे वीडियो आई है। मेरे ख्याल से अब से मैं रेगुलर पूरी कोशिश करूंगा कि मैं इस चैनल पे रेगुलर वीडियो डालूँ। बाकी यार उस चैनल पे आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा जरूरत है यार, जाओ यार उसके वीडियो को पूरा वॉच करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। इसी तरीके से हमें सेकंड साइड का कलर चेंज करना है, तो इसके लिए हमें लेयर पर टैप करना होगा, एक न्यू एम्प्टी लेयर बनाने की सेम वही प्रोसेसिंग ब्लैंक लेयर पर हमें टैप करना होगा। एंड इसके बाद हमें इसके ब्लेंडिंग मोड को मल्टीप्लाई भी सिलेक्ट कर लेना होगा। एंड इसके बाद वापस क्रॉस पे टैप करके कलर्स को आपको सिलेक्ट कर लेना होगा, ठीक है। अब हमें ऐसे कलर्स में आएंगे, एंड यहाँ से आपके बारे में ब्लू कलर सेलेक्ट करना चाहो तो आप अपने हिसाब से कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हो। एंड इसके बाद इसी तरीके से आपको पेंट ब्रश को अप्लाई कर लेना होगा। यहाँ पे इस तरीके से अगर आप अप्लाई करोगे तो आपकी टी शर्ट का कलर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा और आपका फोटो वाकई में दिखने में काफ़ी ऑसम लगेगा। तो आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ रहा होगा। समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स वाली वीडियो को भी फुल वॉच करना। आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा जरूरत है यार। उस चैनल पर हम कुछ नई चीज़ की शुरुआत करने वाले, हमने जो चैलेंज है हमें वो कंप्लीट करना है। तो ये बातों में हमारा टी शर्ट का कलर भी हमने चेंज कर लिया। अब यहाँ पे इसकी ओपेसिटी का एडजस्टमेंट करेंगे ताकि टी शर्ट का कलर फेक ना लगे, तो इसके लिए हम सिंपली लेयर पे आएंगे। एंड लेयर पे आने के बाद इन दोनों लेयर को पहले तो मर्ज करेंगे, सिर्फ मर्ज करेंगे, ऑल नहीं करेंगे। इसके बाद लेयर पे टैप करके ओपेसिटी को अपने हिसाब से रख लेंगे। एंड यहाँ पे हमारा फोटो हो चुका है कंप्लीट तरीके से एडिट। अब चाहो तो आप लाइट रूम में इसको रिटच कर सकते हो। बाकी आपको अगर रिटचिंग सीखनी है तो कमेंट करके बता देना। बाकी हमें फोटो कैसा लगा ये भी कमेंट कर बता देना। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, रेगुलर हम फोटो डालेंगे अब से हमारे चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।